देखिए बेटा, इस प्रॉब्लम में क्या है, इसके लिखा है रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी रियल डिस्टिंक्ट इफ एंड ओनली इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी। ठीक है, इफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ये लिखा हुआ है d1। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो इसको पहले प्रॉपरली क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होगा, ये होगा 2ac - 2b² x² + 2ac - 2b² ठीक है। इन सभी को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करिए, प्रॉपर लिखिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आती है सिंपली, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac, तो इसका square - 4 इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये लिखा हुआ है। देखिए सिंपलीफाई करेंगे तो ये आता है, तो आप इतना तो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ समझिए, यदि b² - 4ac क्या रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसी होगी, ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। यदि ये पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये तो दोनों स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा ब्रैकेट, तो ये तो माइनस है ना एक्स्ट्रा, ये प्रोडक्ट कैसा आएगा, ये आएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब है यदि फर्स्ट के रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो सेकंड का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ रहा है। तो यदि सेकंड का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसके रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।